यार तुमसे बड़ा रसोईया कौन हो सकता है, तुमसे बड़ा कुक कौन हो सकता है, हैं? होटल रेस्टोरेंट में जो खाना बन रहा हो कहाँ कैसे बन रहा है, घर में बनाते ही बनाते ही उसके बाद जो डेवलप हुए कि हाँ यार चलो यार होटल रेस्टोरेंट में, फिर आया ना, पहले तो नहीं आया। राजमा मसाला सिंपल सा है, सब लोग ऑलमोस्ट जो घर में बनाते हैं खाना, इंडियन खाना जो है ना हमारा घर का खाना है वही इंडियन फूड है। अब बहुत सारे लोगों को कमेंट आ रहे हैं कि राजमा मसाला अच्छे से कैसे बनाया जाए होटल या रेस्टोरेंट, होटल रेस्टोरेंट में कुछ अलग नहीं बनता, जो हमारे घर में बनता वही है। होटल रेस्टोरेंट में कहीं बाहर से नहीं आए लोग, घर से निकल के गए हैं, जो घर में खाना बनाते थे वही लोग बना रहे हैं आज होटल और रेस्टोरेंट में खाना। तो राजमा बनाने के लिए आपको सबसे पहले राजमा तो चाहिए ही जरूरी है, उसको सोक कर लेना है 7 से 8 घंटे तक अच्छे से, उसके बाद उसको अच्छे से पका लेना है। इसे मत बोलना, ये पानी आपको चाहिएगा तेल, जीरा, प्याज, टमाटो प्यूरी या तो टमाटर कटा हुआ, आप चाहे तो उसमें हरी मिर्च डाल सकते हैं, नमक, और नमक बहुत जरूरी, जीजी पेस्ट यानी कि जिंजर गार्लिक का पेस्ट उसमें थोड़ा सा एड ऑन कर लें, अच्छा फ्लेवर और टेस्ट जो है उसका अच्छा आ जाता है। इसलिए सिंपल से मसाले चाहिए आपको, हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर और चिल्ली पाउडर और थोड़ा सा गरम मसाला, ऊपर से थोड़ा सा कसूरी मेथी। भाई इसको अच्छे से बनाने के बाद आप चाहें तो इसमें धनिया डालें या ना डालें, लेकिन सब्सक्राइब जरूर कर डालें। तो